रानीगंज थाना क्षेत्र के बल्लभपुर पेपर मिल में काम करने के दौरान दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद विभिन्न श्रमिक संगठनों एवं पेपर मिल के कर्मियों ने मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान 49 वर्षीय ब्रजेन मंडल के रूप में हुई है और वह रानीगंज के ही नूपुर ग्राम का रहने वाला था। रानीगंज थाना क्षेत्र के बल्लभपुर पेपर मिल में काम करने के दौरान दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद विभिन्न श्रमिक संगठनों एवं पेपर मिल के कर्मियों ने मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान 49 वर्षीय ब्रजेन मंडल के रूप में हुई है और वह रानीगंज के ही नूपुर ग्राम का रहने वाला है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रजेन मंडल पेपर मिल में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर गया था। शुक्रवार की रात पेपर मिल में जिस जगह पर कोयला स्टॉक किया जाता है वहां पर काम कर रहा था। इस दौरान एक जेसीबी मशीन के बकेट से उसे गंभीर चोट लगी जिसके कारण वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत रानीगंज ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को रानीगंज थाना ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना की खबर मिलते ही विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता पेपर मिल में पहुंचे, जहां पेपर मिल के कर्मियों ने मृतक के आश्रितों को नौकरी एवं मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शनिवार को भी दिन भर प्रदर्शन जारी रहा और मृतक के परिजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दुर्घटना को लेकर पेपर मिल में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न हो गई। मृतक के भाई जितेन मंडल का कहना है कि शुक्रवार की रात जब वे लोग इस दुर्घटना की खबर पाकर पेपर मिल पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि ब्रजेन मंडल के शव को पुलिस थाने लेकर चली गई थी। उन्होंने मृतक के परिवार से किसी एक सदस्य को अस्थायी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की। বডি এখন রানীগঞ্জ থানায় রাখা হয়েছে। ওর পরিবার থেকে আমরা এসেছি, একটা ডিমান্ড আমরা রেখেছি, যেহেতু একটা ছেলে আমরা ভালো 18 বছর হয়নি, তো ফ্যামিলিকে এককালীন 30 লাখ টাকা সৎ কাজের জন্য বার্নিং ঘাটের জন্য 25 লাখ টাকা আর কাজ করার জন্য 1 লক্ষ টাকা দেওয়ার আমরা দাবি রেখেছি। এখন পেপারমেন্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে এখনো বসেনি, ওরা দেখি কতক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে বসে আমরা গ্রামবাসীরা এসেছি আলোচনা করতে। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत, उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।